उधर मंगलदेह में विकास के लिए एक दिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को वर्चुअली जुड़ने पर धन्यवाद दिया। नितिन गडकरी ने 535 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बाईपास का शिलान्यास किया। हिम्मत ने कहा कि 535 करोड़ रुपए की लागत से इस 4 लेन सड़क का काम जल्द ही शुरू होगा। इस परियोजना से असम की कनेक्टिविटी को लाभ मिलेगा। इस दौरान गडकरी ने बांस उद्योग को विकसित करने का सुझाव दिया। इसके लिए सीएम हिम्मत ने गडकरी को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नारंगी से कुरुआ रोड को लेकर भी अपनी बात कही। हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार की आदरणीय पथ परिवहन मंत्री, हमारे मार्गदर्शक श्री नितिन गडकरी जी, सांसद दिलीप सैकिया जी, हरेन्द्र सिंह बे जी, सम्मानीय विधायकगण मंच में विराजमान, आज समय निकाला और हमारे बीच में वर्चुअली उपस्थित होके मंगलदेह बाईपास का सहित 4 बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। 1600 करोड़ का लागत से ये जो परियोजना का आज उद्घाटन या शिलान्यास हो रहा है, इसमें हमारा असम का कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा बल मिलेगा। खास करके मंगलदेह बाईपास का निर्माण के लिए आपने 535 कोटि रुपया मंजूर किया है। लैंड एक्विजिशन सरकार ने कंप्लीट कर चुका है और मेरा विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन में ये बाईपास का काम तुरंत ही समाप्त भी शुरू भी होगा और समाप्त भी होगा। साथों साथ में नौगांव का दबाका से लेके कार्बियालंग जिला का पारोखुआ तक 13 किलोमीटर का पथ जो 517 करोड़ रुपया से आज से शुरू होगा, ये भी हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। हमारा बीच में कार्बियालंग जो पहाड़ी जिला है, उनका सारे नेतृत्व आज हमारे बीच में उपस्थित है। सब लोग आपको धन्यवाद दे रहा है और मैं आशा करता हूं कि ये भी काम समय में समाप्त होगा। नौगांव में हमारे 2 बड़ी परियोजना, नौगांव बाईपास से तेलिया गांव और तेलिया गांव से रंगागढ़, ये दोनों काम 700 करोड़ रुपया से आज समाप्त हुआ। आपका कर कमलों से ये उद्घाटन हुआ, मैं आपको इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गडकरी जी, आपको कोई बात याद दिलाने का जरूरत नहीं होता है। असम के लिए आपका प्यार मोहब्बत सब जानते हैं। 7 दिन पहले मेरा पास आपने बैम्बो क्रैश बैरियर बनाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को मेरा पास भेजा था, किसलिए असम का बैम्बो केमिकली इसको एनलाइटन करके स्ट्रेंथन करके आपने क्रैश बैरियर बनाना चाहते हैं और वो हो जाने से असम का बैम्बो उद्योग को काफी बल मिलेगा। मैं सब कुछ करूंगा और वो उद्योग भी असम में जल्दी ही स्थापन हो जाए, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से काम करूंगा। माननीय गडकरी जी, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, गुवाहाटी का रिंग रोड और नारंगी कुरुआ का बीच में जो हमारे दलंग का ब्रिज का जो काम है, वो जितना जल्दी स्वीकृति मिलता है वो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आपको गुवाहाटी रिंग रोड के लिए दोबारा याद दिलाता हूं, लेकिन मुझको याद दिलाना जरूरत नहीं है। 15 दिन पहले आप ही खुद इसके लिए मीटिंग किया था, फिर भी असम का सीएम होने का नाते मैं मेरा जिम्मेदारी दायित्व निर्वाहन करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। काजीरंगा का एलिवेटेड रोड का बारे में आपने जिक्र किया, ये भी हमारे ये एलिवेटेड रोड हो जाने से हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। थोड़ी ही दिन पहले भारत सरकार का डिफेंस मंत्रालय और रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का बीच में ये समझौता हुआ है कि 80-20 लागत से गौपुर से गोलाघाट तक ब्रह्मपुत्र का अंदर से टनल बनाया जाएगा। ये भी आपने ही हमको सुझाव दिया था
कि जल्दी जल्दी ये बात का एक कंक्लूजन लाने का, क्या बीआरओ करेगा कि एनएचआईडीसीएल करेगा। अभी ये निर्णय हो गया है आपका मार्गदर्शन से, वो भी काम अगर जल्दी शुरू होता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा का अच्छा एक खबर होगा। आज आप ही जिगर किया है कि तेजपुर से मिशन सरियाली में जो दो लेन का रोड है आपने उनको चार लेन बनाएगा, जिया भरोली में नया ब्रिज बनेगा, 35 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो जाएगा। सांसद दिलीप सैकिया जी ने बाईहाटा सरियाली से मिशन सरियाली तक, जहां में मेरा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं, वो रास्ता को फोर लेन करने के लिए बहुत प्रयास किया है। आज आपने इनका विधिवत घोषणा भी कर दिया कि डीपीआर बना हुआ बनाना का काम शुरू हो गया। मैं पूरा असम वासियों का ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं अगली बार दिल्ली आऊंगा आपसे और बात करूंगा। आपका ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन से हम हमेशा ही बहुत ही मेरा नॉलेज भी बढ़ा है। असम